अब एक नजर इस खबर पर। गुरु घासीदास कला एवं साहित्य विकास समिति गनियारी के तत्वावधान में 2 दिवसीय गनियारी लोक कला महोत्सव 11 एवं 12 फरवरी को किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल ने किया। शामिल अतिथियों का स्वागत सम्मान इस मंच के माध्यम से समिति के द्वारा किया गया। 12 फरवरी को समापन समारोह में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया के हाथों विभूतियों का सम्मान भी किया गया। बता दें कि लोक कला संस्कृति छत्तीसगढ़ राज्य की धरोहर है। गनियारी लोक कला महोत्सव के माध्यम से राज्य की इस धरोहर के संवर्धन को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसके लिए भिलाई चरोदा नगर निगम के महापौर और उनकी टीम साधुवाद की पात्र भी है। महोत्सव के दौरान प्रदेश और देश से अलग अलग राज्यों से आने वाले लोक कलाकारों के ठहरने के लिए 1 करोड़ की लागत से गनियारी में सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। ये बातें प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने गनियारी लोक कला महोत्सव के समापन समारोह में कही है। देखिए, एक बड़ा अच्छा आयोजन हमारे गनियारी लोक कला महोत्सव आयोजन हमारे निर्मल कोसरी जी उनके साथियों द्वारा किया जाता है। एक अच्छी हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने में लोगों का जो सहयोग है नीचे करानी है, और पहले जो आयोजन होता है उससे आज मैं देख रहा हूँ कि प्रदेश स्तर का होता था, आज तो अब राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है। बहुत सारे 13 राज्यों का और हमारे छत्तीसगढ़ के 16 जिलों का लोग आए हैं। एक बड़ी उपलब्धि है और एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ये हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है। सभी के सहयोग से गनियारी लोक कला महोत्सव 2 दिन तक चला। ये 14वां वर्ष था। गुरु घासीदास कला एवं साहित्य विकास समिति समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से ये महोत्सव का आयोजन हुआ। मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमको सहयोग किया। ये जो महोत्सव है, पहले हम लोग जिला स्तर में करते थे, फिर धीरे से वो प्रदेश स्तर में हुआ और आज राष्ट्रीय स्तर में इनकी पहचान बनी है। समापन समारोह में माननीय मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, नगरीय प्रशासन मंत्री आए थे और समिति की मांग पर उन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि से सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक भवन हमको दी है, ताकि आने वाले समय में जब ये महोत्सव का आयोजन हो तो कलाकारों को यहाँ वहाँ ठहराने की जो जरूरत होती है वो वहीं स्थानीय जगह पर जहाँ पर कार्यक्रम स्थल होता है वहीं पर सर्व सुविधा युक्त भवन होगा। साथ ही साथ जो विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे या सामाजिक आयोजन होंगे, गाँव के कोई भी जाति धर्म संप्रदाय या समाज के लोग शादी ब्याह में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। आयोजन समिति अध्यक्ष एवं नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने बताया कि गनियारी लोक कला महोत्सव का आयोजन विगत 13 वर्षों से किया जा रहा है। इस बार भी महोत्सव में हिस्सा लेने छत्तीसगढ़ के अलावा देश के अलग अलग 9 राज्यों की लोक कला मंडलियों का आगमन हुआ है, जिसमें असम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश के कलाकारों ने अपनी लोक कला की मंची प्रस्तुति से दर्शकों को खासा प्रभावित किया। Thank you.
महापौर ने सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की सौगात देने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि इस भवन के बन जाने पर बाहर से आने वाले कलाकारों को ठहरने की दिक्कतें दूर हो जाएगी। वहीं इस महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेन खरे की रिपोर्ट।